हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस यूट्यूब में आपको बहुत सारे टेम्पलेट इफेक्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि क्या आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, आप इसकी मदद से कैसे जस्ट वन क्लिक में बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस बना सकते हो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक क्लिक में ही बहुत अच्छा स्टेटस बना सकते हो। कैसे ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको अपने काइन मास्टर को ओपन करना होगा। अगर आपके फोन में काइन मास्टर नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना रेडियो सेलेक्ट कर लेना होगा कि आप किस रेडियो में अपना स्टेटस बनाना चाहते हो। तो चलिए मैं फुल स्क्रीन स्टेटस बना के दिखाता हूँ। तो मैं 9:16 वाले रेडियो पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर मैं ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे बड़ा कर लेना होगा जितना टाइम का आप स्टेटस बनाना चाहते हो। तो मैं इसे 30 सेकेंड तक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाना होगा और लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना होगा जिसका आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो चलिए मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे बड़ा कर लेना होगा। आप इसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, जैसे कि मैं इसे यहाँ तक एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। एडजस्ट करने के बाद आपको इसे भी बड़ा कर लेना होगा 30 सेकेंड तक। उसके बाद आपको स्टार्टिंग पोजिशन में आना होगा। उसके बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यूट्यूब से अपने इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना होगा। मैं पहले से ही कुछ इफेक्ट को डाउनलोड करके रखा हूँ, तो चलिए मैं उनमें से कोई इफेक्ट को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहले वाले इफेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे बड़ा कर लेना होगा। मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। उसके बाद आप चाहो तो इसका सॉन्ग को म्यूट कर सकते हो। मैं इसका सॉन्ग को म्यूट कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका स्टेटस रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मेरा इफेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप भी कोई भी इफेक्ट का यूज कर सकते हो। और अगर आप इसमें सॉन्ग ऐड करना चाहो तो आपको एक ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप कोई भी सॉन्ग को सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं एक सॉन्ग को ऐड करके दिखा देता हूँ। सॉन्ग के ऐड करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका सॉन्ग ऐड हो जाएगा। सॉन्ग ऐड होने के बाद आपको शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको वीडियो का क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना होगा कि आप कितनी क्वालिटी में अपनी वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो। उसके बाद नीचे में आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका वीडियो आपके फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी इफेक्ट के यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।